हेलो एवरीवन, आई एम अमीना और इस क्लास में हम लोग ये ब्यूटीफुल पोयम द सॉलिटरी रीपर जो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पोयम आपको आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक डालिया में है, यूनिट 2B पेज नंबर 28। सो नाउ यू हैव टू जस्ट ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 28। एंड इस पोयम में हमारे पास 3 स्टैंजाज हैं। स्टैंजा क्या होता है बच्चों? जिस तरह से कहानियों में पैराग्राफ्स होते हैं ना, उस तरह से ही पोयम में, कविताओं में स्टैंजाज होती हैं, ठीक है। 3 स्टैंजा को हम लोग बारी बारी से स्टैंजा वाइज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस reaping and singing by herself, stop here or gently pass, alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the veil profound is overflowing with the sound. यहाँ इस first stanza में poet कह रहे हैं, behold her, single in the field. Behold यानी ध्यान देना, फील्ड का अर्थ है यहाँ पर खेत, है ना। तो यहाँ पोएट कहीं जा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि कोई एक लड़की फील्ड में, खेत में अकेले है, तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया। योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस, योन मीन्स योंडर, दैट वह, तो सोलेट्री का अर्थ क्या है यहाँ पर? अकेला। हाईलैंड लैस इट मीन्स, ये स्कॉटलैंड भाषा में हाईलैंड लैस का अर्थ होता है वो लड़की जो पहाड़ों में, वैली के बीच में, खेतों में काम करती है। तो वह अकेली खेतों में काम करने वाली लड़की, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीपिंग इट मीन्स काटना, फसलों को काटना, और वो फसलों को काट रही थी और वो अकेले ही गाना गा रही थी उसके साथ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। तो पोएट को उसका गाना सुन करके फील हुआ कि वो वहाँ पर रुक करके उसका गाना सुने या फिर आगे बढ़ जाए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही वो फसलों को काट रही थी और उनको बांध भी रही थी, बाइंड्स यानी बांधना। And sings a melancholy strain, और उसके साथ ही साथ वो गाना भी गा रही थी, और वो गाना जो गा रही थी वो किस तरह का था? Melancholy strain, it means वो sad song था, कुछ दुखद गाना था। Oh listen, for the wail profound, तो सुनो, wail means क्या होता है? Valley, घाटी, profound यानी deep, गहरा। इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो उस गहरे घाटी में उसका, उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा गाया जाने वाला जो गाना था वो गूंज रहा था उस घाटी में, वैली में। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain, that has been and may be again. In second stanza, ये second stanza है, second stanza में poet कह रहे हैं, पूछ रहे हैं पहले line में कि will no one tell me what she sings, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो वो क्या गा रही है वो मुझे बताए, समझाएं। इट मीन्स वो लड़की अपने मातृभाषा में, अपने रीजनल लैंग्वेज में वो गाना गा रही थी जिसको कि पोएट समझ नहीं पा रहे थे। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद वो कोई दुखद घटनाओं को याद करते हुए वो गाना गा रहे थे, और वो दुखद घटना क्या क्या हो सकती हैं? फॉर ओल्ड, बहुत शायद कुछ पुरानी
अनहैप्पी दुखी फार ऑफ थिंग्स बहुत पहले की बातों को याद करते हुए वह गाना गा रही होगी. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो. बैटल्स क्या होता है बच्चों? लड़ाई, युद्ध, जो कई साल पहले जो युद्ध हुए होंगे उसमें शायद उसने अपना कुछ खोया होगा. उस चीज़ को, उस घटना को याद करते हुए वो गाना गा रही थी. और इज इट सम मोर हम्बल ले, या फिर हो सकता है कोई ऐसा ही सामान्य सा ऑर्डिनरी सा सॉन्ग जो डे टू डे लाइफ में लोग गाते होंगे, वो गाना वो गा रही थी अपनी भाषा में. या फिर फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई पारिवारिक मामला होगा जो आए दिन फैमिलीज़ में होते रहते हैं, तो उसको वो याद करते हुए गाना गा रही थी. या फिर सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ उसने अपना खोया होगा, उसके लिए वो दुखी हो रही होगी और उस चीज़ को याद करते हुए वो गाना गा रही थी. दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, और ऐसा उसके साथ हुआ होगा और शायद आगे भी होगा. वट एवर द थीम द मैडन सैंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. इट इज़ द थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम. यहाँ पोएट कह रहे हैं वट एवर द थीम, चाहे उस सॉन्ग का थीम कुछ भी हो, द मैडन सैंग, जो वो लड़की गा रही थी, मैडन यानी वो लड़की, वो लेडी गा रही थी गाना, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और सुन करके ऐसा लग रहा था कि उसका जो सॉन्ग है, उसका जो गाना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, पोएट ने उसको गाना गाते हुए और काम करते समय गाना गाते हुए देखा. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल क्या होता है स्टूडेंट्स? सिकल मीन्स ये एक तरह का औजार है जो फसलों को काटने में उपयोग किया जाता है. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, तो यहाँ पर आई यहाँ पर कौन है? पोएट. पोएट खुद के लिए यहाँ पर आई का यूज़ किए हैं, ठीक है? तो पोएट ने उसका गाना को ध्यान से सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, तो वो जहाँ जा रहे थे तो उस और जाने के टाइम वो उसका गाना सुन करके रुक गए और धीरे भी हो गए. धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे और उसका गाना सुन रहे थे. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही वो उसके वहाँ पर जो पहाड़ पर वो चढ़ रहे थे, जा रहे थे, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तो थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे पोएट आगे गए उस गाने वाली लड़की को पीछे छोड़ते हुए, उसका गाना उसको, उसका आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सॉन्ग, वो धुन पोएट को इतना अच्छा लगा कि वो उस धुन को, उस म्यूज़िक को अपने हार्ट में, अपने दिल में वो संजो करके ले गया. इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. थैंक यू.